इंग्लिश में एक स्नो लिपर्ट पाया गया जो स्टेट ऑफ टेस्ट कर रहे हैं उसको चेस कर रहे थे, उसका क्या? एक्चुअली कल एक पूरे लद्दाख में वीडियो बहुत वायरल हो रहा था जो खारदुंग विलेज का है, जिसमें एक लेपर्ड स्तूपा के ऊपर बैठा हुआ है और उसको फेरल डॉग्स चेज कर रहे थे। तो मैं सबको बताना चाहूँगा कि हमें इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिली थी तो हम, मेरा रेंज ऑफिसर, रेस्क्यू टीम, हम लोगों ने टाइमली उसको रेस्क्यू किया। उसके बाद फिर हमने ये डिसाइड किया कि उसकी जो मदर है वो उसी सराउंडिंग में होगी और वहीं पर होगी, और अगर हम एक दो दिन का वेट करते तो शायद मदर मूव कर जाती। इसलिए हमने उसी रात को, यानी कल रात को 8 बजे हमने उस कब को अब उसकी मदर के साथ रियूनाइट करा दिया है और वो कब एकदम सेफ है। तो अगर कोई भी आपको वो वीडियो सर्कुलेट करके सोच रहा हो कि इसके साथ क्या हुआ, तो हम, मैं आप लोगों के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि वो कब, और रेस्क्यू मिशन बहुत सक्सेसफुल था और कब भी एकदम सेफ है अपनी मदर के साथ। सर दूसरी बात, जो लद्दाख में स्टे डॉग्स, स्टे एनिमल की, स्टे डॉग्स की वजह से वाइल्ड लाइफ काफ़ी जगह से शिकायत है, वाइल्ड लाइफ के जो जानवर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट किस तरह से इसको? इसके लिए हमने अभी रिसेंटली जो है एक सेंसस शुरू किया है, हमारे जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में, हम उनका डॉग्स की पॉपुलेशन कितनी है पहले तो ये पता लगाना होगा, उसके बाद एक स्टरलाइजेशन प्रोग्राम जो है वो प्रपोज्ड है। तो अभी फर्स्ट जो स्टेप है वो सेंसस का है। दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि लोग बहुत खाना भी खिलाते हैं इन कुत्तों को, उसके अलावा आर्मी कैंटोनमेंट्स के आसपास भी, कैंप्स के आसपास भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हमने आर्मी को भी काफ़ी सेंसिटाइज किया है, उनको भी मना किया है कचरा बाहर फेंकने से। और मैं लोगों को भी अपील करूँगा कि इन डॉग्स को ना ज़्यादा पालें ना ज़्यादा खिलाएँ, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ के साथ साथ पूरा जो यहाँ का इको सिस्टम है उसको बहुत बुरी तरह से ख़राब कर रहे हैं, मेटिंग कर रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स के साथ, काफ़ी आपने फ़ोटोज़ भी देखे होंगे जो सर्कुलेट हो रहे हैं। तो एक यही है कि पहले लोगों को भी थोड़ा सा इनको अपने पास बुलाना या पालना बंद करना होगा। और एक चीज़ सर, जो खासकर ऐसे वाक्य जो विंटर में ज़्यादा नज़र आते हैं, काफ़ी क्वारंटाइन में भी आता है, तो इस तरह से वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इसको किस तरह से नज़र रख रहा है ताकि वाइल्ड लाइफ एनिमल को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि सर्दियों में खासकर गांव में आ जाता है? हमारे स्टाफ का नंबर हमने ऑलमोस्ट हर विलेज में सर्कुलेट कराया हुआ है, तो अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो सबसे पहले हमें आ जाता है। उसके बाद एक डेडिकेटेड रेस्क्यू टीम है जो इसको रेस्क्यू करती है। अगर मोस्टली केसेस में जो होता है, ओल्ड स्नो लेपर्स एंटर करते हैं गांव में, जो शिकार नहीं कर पाते तो गांव में इजी फूड के लिए पहुंच जाते हैं, तो हम उनको ट्रीट करते हैं और दोबारा वाइल्ड में रिलीज़ कर देते हैं। तो अभी भी अगर किसी को अगर है तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का नंबर ले सकता है जो यूटी की वेबसाइट पर भी है, और हमें कभी भी इस प्रॉब्लम के लिए बता सकता है, हमारी टीम ऑलवेज तैयार रहती है। बहुत बार देख चुके हैं कि पोचिंग केसेस काफ़ी जगह हुआ है, उसका कोई रिजल्ट आ नहीं पाता है या उसके केस का कुछ पता नहीं चलता है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? प्लस मैन पावर बढ़ाने की क्या यहाँ पे इनिशिएटिव्स हैं? देखिए, पोचिंग का जो सवाल है, जो जितने पुराने केसेस चल रहे थे वो सारे हेयरिंग स्टेजेस में हैं, सारे कोर्ट में फाइल हो चुके हैं। उसके बाद मैन पावर का जो है, अभी रिसेंटली यूटी ऑफ जेके से हमारे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को अपॉर्शन हुए हैं, तो उसमें शायद 30 वाइल्ड लाइफ गार्ड्स और आ रहे हैं। तो उसके बाद हमारे अगर 30 वो ज्वाइन करते हैं तो उसका भी थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, पर अपॉर्शन हो चुके हैं, तो उनको हम फटाफट रिक्रूट करके और फिर हमारी जो नीड्स हैं वो कम्प्लीटली पूरी हो जाएंगी। तो हम सब मिल के सर, पहले तो इसका रेस्क्यू किया सर, क्योंकि स्तूपा के ऊपर था कि वो एस्केप करके, क्योंकि डॉग बहुत सारे डॉग्स थे, तो हमने पहले तो उसको रेस्क्यू किया सर। तो पब्लिक बहुत जमा था सर, तो उसको आगे थोड़ा आगे लेके हमने उसका देखभाल किया सर, क्या है इसका हालात, क्या है कि इंजर्ड तो नहीं है, ये वीक तो नहीं है, तो कुछ नहीं था सर, ये हालत बहुत अच्छा था। तो हमने इसका मदर वहीं अराउंड होते हैं सर, हर हमने पहले भी ऐसे रेस्क्यू किया था सर, तो रीयूनियन करना बहुत ज़रूरी था, तो हमने वहाँ वेट रात होने तक वेट किया, दिन को भी हमने ढूंढा सर, बायनोकुलर्स स्पॉटिंग स्कोप लेके नहीं मिला, तो रात को मदर ने कॉल किया था सर, तो हमने उसको आगे लेके, फिर बहुत कुत्ते था सर, कुत्ते बहुत भौंक रहे थे, तो वो मदर का कॉल सुनाई नहीं दे रहा था, तो मदर कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड जा रहे थे, तो बच्चे भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। तो बाद में हमने वेट करते करते 8:10 तक
फिर 8:10 पे हमने रिलीज़ किया सर, क्योंकि मदर का कॉल थोड़ा नज़दीक आया तो हमने उसको वहाँ रिलीज़ कर दिया। तो फिर हम वहाँ वेट करके बैठा, तो दोनों मदर और कॉप्स का दोनों का जब मदर कॉल कर रहे थे कॉप्स का रिस्पांस भी आ रहा था सर। तो उसके बाद हम तकरीबन 1.5 घंटा वहाँ बैठा सर, फिर बाद में कॉल भी नहीं कर रहा था क्योंकि रीयूनियन हो गया सर, तो कुत्ते का भुगना भी बंद हो गया सर। तो आपके हिसाब से ये जो बच्चा है कितना कितना मतलब इसका उम्र हो सकता है क्या कुछ? ये पिछले साल का है सर, 8 या 9 महीने का होगा सर। आपके लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग रहता होगा इस सिचुएशन में। हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि जब भी जहाँ जिस जगह पे इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो वहाँ के लोगों को प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने की कितनी ज़रूरत है और लोगों का कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा जो है आपको मदद? हाँ जी, लद्दाख में तो लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है जी। जब भी कहीं स्नो लेपर्ड जो फंस जाते हैं कॉरल पेन में, कहीं भी कोई इंजर्ड होता है, कहीं ब्लू शिप इंजर्ड होता है, कहीं आईबैक्स इंजर्ड होता है, कभी कुत्ते का चेस करके वो होता है, तुरंत हमें फ़ोन करता है तो हम यहाँ से एकदम जाते हैं जी रेस्क्यू करने के लिए। सबसे ज़्यादा ये मुश्किल है लद्दाख में जी कुत्ते का प्रॉब्लम। हाँ जी, स्नो लेपर्ड हो या ब्लू शिप हो, आईबैक्स हो, हाँ जी कुत्ते का बहुत प्रॉब्लम है जी। और कल के जो उसमें तमाम नुबरा खरगों के विलेज वालों को बहुत थैंक यू कहना चाहते, क्योंकि उनके इन्फॉर्मेशन और उनके सपोर्ट के, क्योंकि कल का ये रिस्क्यू हो पाया क्योंकि उन्होंने उसको बिल्कुल बचा के रखा था जब तक हम यहाँ से वहाँ ले से वहाँ जाना है कल, क्योंकि कल थोड़ा स्नोफॉल भी हुआ तो गाड़ी ना स्पीड नहीं जा पाया तो थोड़ा टाइम भी लगा था। तो वहाँ बहुत लोगों ने सबसे और उनका रिस्पॉन्स था कि उसको दोबारा उसी टेरिटरी में रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है लोगों का कहना क्योंकि ये लेपर रहता तो हमारे यहाँ से निकल के ले जाओ वहाँ दूसरे जगह छोड़ो, क्योंकि कल के लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था क्योंकि पब्लिक को अब पता चला कि स्नो जो वाइल्ड एनिमल कितना इम्पोर्टेंस है अपने टेरिटरी में, कितना इम्पोर्टेंस है, कितना अपना लोगों के लिए बेनिफिट है। और क्योंकि देखिए हर चीज़ का एक नेचर होता है, एक चीज़ नहीं होगा तो एक चीज़ बढ़ जाता है फिर उसका वो ड्रॉबैक्स आना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए लोगों में ये अवेयरनेस आ चुका। तो इसलिए बहुत अच्छा हमें अच्छा लगा कि कल उन लोग फिर हमने विलेज के लोगों के भी क्योंकि उसके विलेज के लेवल पर हमने इसको छोड़ा कल, नहीं तो हमें इसको कहीं कहीं हमें इसको छुपा के छोड़ना पड़ता था क्योंकि लोगों को छुपा के, कल लोगों के साथ ही हमने इसको सपोर्ट के साथ छोड़ा। तो इसलिए मैं कर खड़ों के विलेज वालों को सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ।